भिंडी की सब्जी तो आपने बहुत बार खाई होगी दोस्तों, पर एक बार मेरे इस तरीके से आप बनाकर देखिए। बहुत कम मसालों के साथ और एकदम आसान तरीके से बना रही हूँ मैं, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब है ये। आपको ये बहुत पसंद आएगी, तो इसे एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं शीला, मेरे चैनल द होमी मील्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, भिंडी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम भिंडी ली है। भिंडी को हमने अच्छे से धो लिया है और धोकर इसे हमने कपड़े से पोंछ लिया है और पोंछ कर अच्छे से सुखा लिया है। तो दोस्तों, जब भी आप भिंडी की सब्जी बनाएं, इसे अच्छे से धोकर कपड़े से पोंछ कर सुखा लीजिए, और आप चाहे तो इसे थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे भी रख सकते हैं ताकि भिंडी अच्छे से सूख जाए और भिंडी की सब्जी जो है एकदम खिली खिली और क्रंची बने। तो अब चलिए हम भिंडी को काट लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके दोनों साइडों को कट करके हटा देंगे और फिर इसे हम काट लेंगे। तो इसके मैं बहुत ज़्यादा छोटे पीस नहीं कर रही हूँ, इस तरह से मैं इसे मीडियम साइज में कट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो जिस तरह से हम नॉर्मली घर में भिंडी की सब्जी बनाने के लिए काटते हैं ना, बस उसी तरह से इसे हमें काटना है और इसे हम काट कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से सारी भिंडी काट ली है मैंने, और इन्हें अब हम ले चलते हैं सब्जी बनाने के लिए गैस की तरफ। तो इधर गैस के ऊपर कढ़ाई हमने रख दी है और फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है, और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे धुआं निकलने तक। तो दोस्तों, मैं इसे सरसों के तेल में सब्जी बना रही हूँ। सरसों के तेल में सब्जी बहुत भिंडी की मस्त बनती है। तो अब हम इसमें डालेंगे मेथी। तो मैं इसमें मेथी का तड़का लगा रही हूँ फ्रेंड्स। एक तो भिंडी हमारी बादी होती है तो उसके लिए ये फायदेमंद है, और इससे सब्जी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो दोस्तों, इस तरह से एक बार आप ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। और इसमें हमने 1/2 टीस्पून के जितना मेथी डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग, और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे 7 से 8 कली लहसुन। इसको हमने इस तरह से लंबाई में पतला पतला काट लिया है, तो लहसुन का बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है इस भिंडी में। और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसमें हम डाल देंगे, और इन सबको डालकर थोड़ी देर के लिए इन्हें हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि जो है लहसुन का कच्चापन है वो निकल जाए। और गैस के फ्लेम को हमें यहाँ पे मीडियम टू हाई पे रखना है। तो तड़का और लहसुन हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है और लहसुन का हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। तो इसमें हम डालेंगे प्याज। तो 1 बड़े साइज़ की प्याज को हमने इस तरह से लंबाई में बारीक बारीक काट लिया है, इसे हम इसमें डाल देंगे, और इसे डालकर हल्का सा इसे हम फ्राई कर लेंगे 15 से 20 सेकंड के लिए। और इसी के साथ हम इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे, तो 1/2 टीस्पून के जितना हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, और इसे डालकर हम प्याज के साथ इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे। तो यहाँ पे प्याज को हमें ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए इतना ही हमें इसे भूनना है। तो ये प्याज हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे ये कटी हुई भिंडी, और इसे डालकर हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हम फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो चिपचिपापन है और जो इसमें लेस होती है वो अच्छे से पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। और गैस के फ्लेम को हमें यहाँ पे मीडियम टू हाई पे रखना है, और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है। तो दोस्तों, भिंडी को हमें ढककर बिल्कुल भी अभी नहीं पकाना है, हमें इसी तरह से इसे खुला फ्राई करना है। तो यहाँ पर भिंडी को फ्राई करते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक इसमें दोस्तों आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, और नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अच्छे से मिक्स करके इसे हम अच्छे से चारों तरफ इस तरह से फैला देंगे। और गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम पर करके हम इसे पकाने के लिए रखेंगे दूसरी साइड में, और इधर हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया और 2 से 3 सूखी लाल मिर्च इसमें हम डालेंगे। तो तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों, ये मिर्ची हमारी तीखी थोड़ी सी कम है तो मैंने यहाँ पर 3 ली है, आप चाहे तो 2 भी ले सकते हैं। और इस मसाले में हमें और कुछ भी नहीं डालना है, इन्हीं मसालों से इस सब्जी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो इस तरह से एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। और इन्हें हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए हमें अच्छे से इसे भूनना है। तो यहाँ पर इन मसालों को भूनते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो गया है, और इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई है, आप देख सकते हैं इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। तो इसे हम इस मिक्सी जार में डाल देंगे, और मिर्चियों की हम डंडी को तोड़ देंगे, और इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच जितना अमचूर पाउडर। तो आप चाहे तो भिंडी की सब्जी में आप नींबू का जूस भी डाल सकते हैं, पर मैं इसमें अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, और इसे हम दरदरा पीस लेंगे। और इधर ये हमारी सब्जी भी बहुत अच्छे से पक गई है, एकदम ड्राई पकी है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसे हमने बीच में 1-2 बार चला दिया था ताकि नीचे से जले नहीं। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे ये मसाले जो हमने भून कर तैयार किया था। इसे हमने इस तरह से दरदरा पीस लिया है, तो इसे हमें इसी तरह से दरदरा पीसना है, इसे हमें बारीक बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसे डालकर सब्जी के साथ मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सब्जी के साथ मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे लिड, और इसे हम ढककर पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए।
ताकि मसाला और सब्ज़ी आपस में अच्छे से पक जाएं। तो 2 मिनट के लिए सब्ज़ी को हमने और पका लिया है और अब ये हमारी भिंडी की सब्ज़ी बनकर तैयार है खाने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये कितना मज़ेदार और लाजवाब लग रही है हमारी भिंडी की सब्ज़ी। तो ये जितना देखने में मज़ेदार है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। तो आइए चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो इसे आप पूड़ी, पराठा या रोटी किसी के साथ भी इसे आप ट्राई कर सकते हैं। इसे आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है ये। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को एक बार इस तरह से ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।